वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जापानी एम कैप्सूल के बारे में। जापानी एम कैप्सूल की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज़, डोज, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आपको शीघ्रपतन, स्वप्न दोष, यौन संबंधी समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जापानी एम कैप्सूल एक आयुर्वेदिक मेडिसन है जिसमें शिलाजीत 7 mg, केसर 2.5 mg, कपूर 5 mg, पुष्परस 30 mg, मकरध्वज 10 mg, जायफल 10 mg, स्वर्णवंग 7.50 mg, अश्वगंधा 75 mg, अकरकरा 20 mg, सतावर 50 mg, मूसली 50 mg जैसी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया जाता है। और इस कैप्सूल को चतुर्भुज फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस कैप्सूल के उपयोग के बारे में। इस कैप्सूल का उपयोग मुख्य रूप से यौन दुर्बलता और शारीरिक मानसिक कमजोरी जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह प्रजनन अंगों में ताकत देता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाकर यौन शक्ति को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, जैसे कि शीघ्रपतन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, शुक्रपात, नपुंसकता, कामेच्छा में कमी, यौन समस्याएं, सेक्स टाइम में कमी और शरीर की सभी प्रकार की दुर्बलता के इलाज के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। अगर आपको शीघ्रपतन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी या इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस कैप्सूल के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस कैप्सूल के वैसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आते क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, फिर भी इस कैप्सूल के कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि वजन बढ़ना, पेट में जलन और रक्तचाप का बढ़ जाना जैसी समस्याएं नज़र आ सकती हैं। अगर आपको ये समस्याएं नज़र आएँ तो आप इस कैप्सूल को यूज करना बंद कर दें, और अगर ये बढ़ जाएँ तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आइए अब जान लेते हैं इस कैप्सूल की डोज के बारे में। इस कैप्सूल की डोज वैसे तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, और एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ यूज कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं इस कैप्सूल की MRP के बारे में। इस कैप्सूल की MRP है 10 कैप्सूल आपको 300 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको जापानी एम कैप्सूल की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।